विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान शालिग्राम को स्नान करके करा करके वो जल जो पिए तो पुनर्जन्म नहीं होता। वो शालिग्राम का जल पिया इन्होंने, इतने में दुर्वासा आ गए। वो तो प्रतीक्षा में ही थे कुछ खावे पिए तो हम चले। दुर्वासा यमुना कूला कृतावश्यक आगता मन्युना प्रचलद गात्रो भ्रकुटी कुटिला नमः। मारे क्रोध के इनकी भ्रकुटी तन गई, पूरा शरीर कांप रहा है। मन्युना प्रचलद गात्रो, प्रचलित कंपित हो रहा है शरीर, और भ्रकुटी कुटिला नमः, भ्रकुटी भी कुटिल हो गई, आनन भी कुटिल हो गया और बड़े क्रोध में चले आ रहे हैं। राजा ने बहुत स्वागत किया, आइए भगवान आइए पधारिए पधारिए, कि दुर्वासा ने उनकी पूजा का ध्यान नहीं दिया और बड़े क्रोध में बोले, अहो अस्य नृशंसस्य श्रीमत्तस्य पश्यत। इस धन के मद में मतवाले राजा को तो देखो, इसने मुझे निमंत्रण दिया और पहले ही भोजन कर लिया। बोले महाराज हमने भोजन नहीं किया है, मैंने तो भगवान का चरणोदक लिया है। एक नहीं सुनी दुर्वासा ने, एवं प्रमाण मुत्कृत्य जटाम रोष विदीपिता तया सदर्ममे तस्यै कृत्या कालानलोपमान। अपने जटाओं से एक जटा उखाड़ी और चट्टान पर पटक दी, वैसे ही कृत्यानम राक्षसी कालाग्नि के समान प्रकट हो गई। कज्जल गिरी के समान विकराल राक्षसी हाथ में तलवार लिए मुख से अग्नि का बमन करती हुई राजा की ओर बड़े क्रोध में दौड़ी खाने के लिए। उस समय अम्बरीश तो भगवान के भक्त हैं, भगवान का स्मरण किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नारायण ने राजा की रक्षा में सुदर्शन चक्र को पहले ही नियुक्त कर दिया था, क्योंकि भक्तों की रक्षा वो करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभित्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। जो अनन्यता से चिंतन करते हैं, शरणागत हैं, उनकी रक्षा भी भगवान करते हैं और पालन भी करते हैं, उनका भार वहन करते हैं, बोझा ढोते हैं घर का, गृहस्थी का, उनके जीवन का। तो चक्र को पहले ही निश्चित कर दिया, नियुक्त कर दिया। चक्र ने कृत्या को समाप्त कर दिया। जहां जहां ये जाते हैं सुदर्शनम दुष्प्रशहम ददर्श, वही सुदर्शन चक्र का दर्शन होता है। सुदर्शनम दुष्प्रशहम ददर्श। अब इन्होंने देखा कोई भी मरी रक्षा नहीं कर पा रहा है, अभी बड़े भयाक्रांत तो ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवं विरंचिं समगात विधाता त्राहि आत्मयोनि अजित तेजसो माम। हे विधाता, अजित के तेज से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो त्राहि माम। विधाता बोले, स्थानम मदीयम सह विश्वमेतद क्रीडा वशाने द्विपरार्ध संज्ञ के। हमारा जो ये पद है, हमारा जो ब्रह्मा का पद है, इसका कार्यकाल दो परार्ध का है, बड़ी सीमित हमारी आयु है, जबकि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है और इस क्रम से इतनी ही बड़ी रात, इस क्रम से 100 वर्ष का जीवन। वो ब्रह्मा कहते हैं हमारा जीवन बड़ा लघु है, और जिनका जीवन लघु है, लघु जीवन संबद्ध पंचदशा, उन्हें इतना अभिमान है कि पूरी धरती बांध ले जाएंगे। ब्रह्मा कहते हैं हमारा जीवन लघु है, हम तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम तो भगवान के दास हैं। अब वो वहां से भागे, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ध्यानस्थ बैठे हैं। दुर्वासा शरणम याता शिवम कैलाशवासिनम, भगवान शंकर की शरण में गए। त्राहिमाम सांब सदाशिव पाहिमाम, भगवान शंकर ने पहचाना कि दुर्वासा जी हैं, सांब सदाशिव पाहिमाम दुर्वासा जी हैं।
बोले कौन मेरे अंश से उत्पन्न दुर्वासा को कौन पीड़ित कर रहा है। दुर्वासा बोले वो आ रहे हैं सुदर्शन चक्र। शंकर जी बोले जल्दी भागो, एक क्षण यहाँ ठहरना नहीं, क्या कैलाश हमारा फुकवा देना चाहे थे, जल्दी भागो। अभी वहां से भागे, अब कोई इन्हें रक्षा नहीं कर पा रहा। इनकी दशा तो जयंत की तरह हो गई, राम जी के बिनफल बाण से जैसी दशा जयंत की हुई थी वैसी ही दशा आज दुर्वासा की हो रही है। काहू राखन कहा न वो ही, काहू राखन कहा न वो ही, राखी को सके राम कर दो, राख सके राम कर दो। लो कहूँ वेद विदित इतिहासा, लो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानत दुर्वासा, यह महिमा जानत दुर्वासा। अब तो दुर्वासा भयभीत, जीवन की आशा छोड़ चुके हैं दुर्वासा। उसे दुर्वासा का अर्थ दुर्वासन में शिशा, दुर्वासा जो दूध के रस के अलावा किसी वस्तु का स्वाद नहीं जानते, बड़े तपस्वी हैं। इन क्रोध इनका दूषण है। अब तो ये हाँ दुर्वासा तो महाराज अब पुत्र प्रधान वहीं से नहीं सुनो, इधर आओ। तो महाराज बतला रहे हैं कि उस समय दुर्वासा भागे और पहुंचे सीधे क्षीर सागर। ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ, वैकुंठाख्यम यदध्यास्ते श्रीनिवासा श्रिया सह। महाराज श्री दुर्वासा अब पहुंचे क्षीर सागर जहां भगवान श्री निवास लक्ष्मीकांत नारायण से शैया पर लेटे हुए हैं और जगत जननी अंबा लक्ष्मी जिनके चरण चाप रही हैं। श्री निवासा श्रिया सह जहां श्री निवास और श्री विराजमान हैं, दुर्वासा गए और नारायण के चरणों में दंडवत करते हुए बड़ी करुणा भरी वंदना करने लगे। संदेह मानो अजित शस्त्र बन्हिना, तुत पाद मूले पतिता सबे पथु, आहा च्युतान सदीप्सित प्रभो, तथागसम भावं विश्वभामनु, कृतागसो भावं विश्वभाम। हे अजित, आपके चक्र ने हमें जला दिया, संदेहमान में जला जा रहा हूं। आपके चरणों में व्याकुल होकर के भयाक्रांत आपके चरणों में आकर गिरा हूं, प्रभु रक्षा करो। त्राहिमाम शरणागतम अजानता ते परमानुभावम, कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम। अनजान में आपके भक्त का मुझसे अपराध हो गया, मैं नहीं जानता था राजा अम्बरीश आपका इतना प्रिय है, और मैं भी नहीं जानता था कि भक्तों पर आप इतनी कृपा करते हो, भक्त इतने प्रिय हैं, क्षमा करो भगवान। भगवान बोले दुर्वासा जी मैं तुम्हें क्षमा तो कर देता लेकिन क्या करूं, मैं तो पराधीन हूं। दुर्वासा बोले महाराज आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप कब से पराधीन हो गए। बोले हम पराधीन हैं। बोले किसके। बोले अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो, हे स्वतंत्र द्विजे
साध वीर ग्रस्त हृदयो भक्तये भक्त जना प्रियः। मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, भक्तों ने हमें बांध लिया है, अपने वश में कर लिया है, मैं भक्तों के वश में हो गया हूं, उन्होंने प्रेम की डोरी में मुझे बांध लिया है। ये हमसे थोड़ी नहीं जाती, वो प्रेम की डोर में भक्तों ने बांध लिया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र वद्विज साधवीर गृहस्थ हृदय। संतों ने, भक्तों ने, प्रेमी जनों ने हमारे हृदय को बांध लिया है। भक्त ही भक्त जनप्रिया, हम भक्तों के हैं, भक्त हमारे हैं, हम भगतन के, भगत हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत तरत न टारे। ये भक्त हमारा हृदय, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके जो हमारी उपासना करते। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वाम शरणं याता ताम कथम त्यक्तुमामहि। जिन्होंने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी पुत्र छोड़ दिए, सन्यासी होकर के संसार में विचरण करते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। ये निवृत्ति मार्गी अर्थ है। प्रवृत्ति मार्गी अर्थ ये है जो अपने घर परिवार संसार पत्नी पुत्र धन वैभव और अपने देह से ज्यादा हमसे ही प्रेम करते हैं, सबसे अधिक मुझे चाहते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता, वो हमारा हृदय है। साधवो हृदयम वैहम साधु नाम हृदयं तुहम मदन्यम ते न जानन्ति नाहम ते भ्यो मना कपि। ये प्रेमी भक्त हमारा हृदय है, हम इनके हृदय हैं, ये हमारे अलावा कुछ नहीं जानते, हम इनके अलावा कुछ नहीं जानते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भोस बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती हमें लाचार है। भाव बिन कुछ भी हमें दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे दे हमें स्वीकार है। ये बांध लेते हैं भक्त जन सब भाव की जंजीर में, बस इसी से भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए है ब्रह्मर्षि दुर्वासा, मैं राजा अम्बरीश के प्रेम में बंध गया हूं, अब तुम अम्बरीश की ही शरण में जाओ, वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। ब्रह्मन् तदगच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम् नृपम् क्षमापे महाभाग ततः शान्तिर्भविष्यति। नाभाग नंदन अम्बरीश की शरण में जाओ, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। अभी दुर्वासा भागे चक्र फिर पीछे लगे, लेकिन अब इतने उग्र नहीं है चक्र। दुर्वासा जी वृंदावन आए, राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश बोले, महाराज हमें पाप में क्यों डाल रहे हो? बोले, तुम्हें पाप की पड़ी, यहाँ प्राणों की पड़ी है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, हमारी रक्षा करो। राजा ने सुदर्शन चक्र की विनती की। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रारचित प्रिय, अब भगवान के धाम आप जाएं, हमें दुर्वासा जी से कोई भय नहीं है। दुर्वासा अब भगवान के धाम चक्र चले गए, और दुर्वासा जी जब लौट के आए, जब भागे थे,
और जब तक लौट कर आए तब तक एक वर्ष का समय हो गया। राजा रानी एक वर्ष भूखे खड़े रहे, भोजन नहीं किया। हमारे द्वार से संत भूखे चले गए, निराश चले गए, हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसे व्रति हैं राजा रानी। दोनों ने अन्न नहीं ग्रहण किया, भोजन नहीं किया। और अब जब एक वर्ष बाद लौट कर आए हैं महाराज दुर्वासा, तो उनको भोजन कराया, सेवा की, दक्षिणा आदि से संतुष्ट किया। दुर्वासा जी विदा हुए। अब दुर्वासा ही कहते जा रहे हैं, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसो पियद राजन मंगलानि समीयसे। आज हमने भक्तों की महिमा देख ली और जान लिया भगवान अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं, प्रेम परवश हैं, भक्त के वश में हैं भगवान, प्रेम में बंध जाते हैं गोविंद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह पावन कथा जो सुनते हैं कर्म बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त करते हैं। बड़ी अन्य राजाओं की बड़ी वंशावली का वर्णन है इसमें। महाराज आगे चलकर इसी वंश में त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के महाराज रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के ब्रक, ब्रक के भरुक, भरुक के बाहुक, बाहुक के महाराज सगर विष लेकर प्रकट हुए। सौतेली माताओं ने विष दे दिया था, विष लेकर प्रकट हुए इसलिए सगर नाम पड़ा। चक्रवर्ती हुए सगर। दो रानियां थी सुमति और केशनी, तपस्या की ब्रह्मा जी के। तो उस समय सुमति के उत्पन्न हुए महाराज श्री अश्मंजस और केशिनी के 60,000, ब्रह्मा के वरदान द्वारा 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का अश्व इंद्र ने चुरा लिया, कपिल भगवान के आश्रम के पीछे बांध दिया। 60,000 ने धरती को खोदा तो सागर बन गए। सागरो यत् सुतई कृता सगरह चक्रवर्त्या शीत सागरो यत् सुतई कृता इस ताल जंघान इमनान छकान है बरबरान। महाराज सगर सु अश्वमेध ही अजयत, अश्वमेध यज्ञ किया तो उसमें इनके अश्व को इंद्र ने चुराया, कपिलाश्रम के पीछे बांध दिया। 60,000 धरती को खोदते हुए सागर बनाते हुए प्रागुजित्याम दिश प्रागुदिच्याम दिशि हयम ददृशु कपिलांत के, प्रागुदिची माने पूर्वोत्तर के दिशा में कपिलाश्रम में घोड़ा बंधा देखा। कपिल जी साधना में रहते हैं, 60,000 गए। बोले ए सबाजी हरश्यौरः आस्ते मिलित लोचना हन्यताम हन्यताम पापी तिखष्टि सहस्रण। 60,000 ने कपिल जी की दाढ़ी पकड़ ली और बोले यही घोड़ा चुराने वाला चोर है, इसको मार डालो मार डालो। कपिल जी कहां तक शांत रहे हैं, बार बार ये दाढ़ी हिला रहे, कह रहे ये चोर है, घोड़ा चुराने वाला है। कपिल जी को क्रोध आया, उदा यही तदा उन्मेष तदा मुनि नेत्र खोले शतावत दृष्ट से दृष्टि पाते इन भार देह जे अग्नि न दग्धो भस्म सात भोज क्षणा। महाराज भगवान कपिल के नेत्रों से अग्नि निकली और 60,000 भस्म हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। 60,000 रात की देरी लग गई, अब सगर का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा। अश्व का पता लगाने के लिए सगर ने अपने पुत्र अश्मंजस को भेजा, वो बैरागी हो गया, नहीं गया, तपस्या करने चला गया। अश्मंजस के पुत्र अंशुमान ने पता लगाया, महाराज कपिल जी के आश्रम में गए और बोले महाराज हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा। तो कपिल जी बोले पहले तो घोड़ा ले जाओ, अश्वयम नियताम वत्स पितामह पशु तब यज्ञ पूरी कराओ जाकर के। बोले महाराज हमारे पुरखे इमेज पितरो दग्धा, हमारे जो पितर भस्म हो गए हैं ये कैसे तरेंगे। बोले इमेज पितरो दग्धा गंगा अम्भो अर्हंति ने तरम, भगवती गंगा का ये पावन जल चाहते हैं। भगवान बामन भगवान का चरण धो लिया था दाहिना चरण ब्रह्मा जी ने कमंडल में, तो भगवत पति गंगा
ब्रह्मा के कमंडल में स्थित हैं, तो वहां से गंगा जी को लाओ। यज्ञ पूर्ण हुआ सगर जी का, इसके बाद गंगा जी के लाने के लिए तपस्या की। अंशमानस तपस्ते पे गंगा ने इन काम में आया, तपस्या में सफल नहीं हुए, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। दिलीप भगीरथा तस्य पुत्रः सुते पे सुमहत तपः, भगीरथ ने बड़ी तपस्या की तो दर्शयामास्तम देवी प्रसन्ना वरदास्मी थे। भगवती गंगा प्रसन्न हुई, दर्शन दिए, बोलो गंगा माता की जय। मैया गंगा प्रकट हो गई और बोली भगीरथ वरदान मांग लो, का माता चले मृत्युलोक में हमारे पुरुखों का उद्धार करके विश्व का कल्याण करें। गंगा जी बोली भगीरथ हमारे दो प्रश्नों का उत्तर दो, फिर हम चल सकते हैं। गंगा जी ने दो प्रश्न किए, ध्यान दें। पहला प्रश्न है, कोपि धारयिता वेगम पतंत्या मे महीतले अन्यथा भूतलम वित्वा द्रपयास्य रसातलम। कोपि धारयिता वेगम, जिस समय ब्रह्मा के कमंडल से हम निकलेंगे और अपनी बहुत दिव्य स्फूर्ति से वेग से हम मृत्युलोक की ओर बढ़ेंगी, तो उसमें अन्यथा भूतलम भित्वा, जो हमारी धारा धरती पर गिरेगी तो धरती फट जाएगी और भूतल को फोड़कर हम रसातल चली जाएंगी, तो कौन वेग धारण कर सकता है। भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की, शंकर जी को मनाया, महाराज आप धारण करें गंगा के वेग को। भगवान प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, आशुतोष हम धारण करेंगे गंगा को। और उस समय अब भगीरथ ने जाकर कहा, माता धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। प्राणी मात्र की अंतरात्मा भगवान रुद्र आपके वेग को धारण करेंगे। गंगा जी ने दूसरा प्रश्न किया, किम चाहम न भूम याशे नरामैया मृजन्त्यघम मृजामि तदघम पुत्र राजन तत्र विचिन्त्यताम। मृत्युलोक के पापी जब जानेंगे कि गंगा जी पतित पावनी है, पापनाशिनी है, तो ये जाकर के करोड़ों की संख्या में अपने पाप हमारी धारा में धो देंगे, तो फिर हम अपने पाप कहां धोने जाएंगे। गंगा जी बोली हम मैली हो जाएंगी, तो हमारे पाप कौन धोएगा। तो उसमें भगीरथ बोले, धार माता साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरत्यघम तेंग संगात ते स्वास्ते विद करी। मृत्युलोक के जो संत हैं, सन्यासी हैं, जो भक्त हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आचार्य हैं, भगवत भक्त हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, ऐसे लोग जब आपकी धारा में स्नान करेंगे तो आपके भी पाप दूर हो जाएंगे। वो भक्त लोग, संत लोग जब स्नान करेंगे आपकी धारा में तो आपके पाप दूर हो जाएंगे। बोले संतों में आ जाएंगे पाप, तब उनके कौन हरेगा। बोले तेज स्वास्थ्य यज्ञविद हरि ही, जब वो हरि कहेंगे हरि हरि हरि, तो हरि ही उनके पाप हर लेंगे। हरिर हरति पापानी, जो हरि हरि कहते हैं उनके पाप हरि हरण कर लेते हैं। हरिला नाम इसीलिए उनका है, हरिर हरति पापानी, पापों को हरण करते हैं। भागवत में द्वादश स्कंद के द्वादशवें अध्याय का 46वां श्लोक है, पतिता स्खलितश्चार्तः छित्त्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्यै मुच्यते सर्व पाप पाप। कितना भी पतित हो, पापी हो, और उसके मुख से हरये नमः निकल जाए तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो हरये नमः। भक्तो अब तो भगीरथ की प्रार्थना पर ब्रह्मा के कमंडल से गंगा की धार छूटी है और गगन मंडल में हैराती लहराती बहराती बलखाती इठलाती उमगाती
गंगा की धारा आज कल कल निनादनी गंगा हाहर हाहर छहर छहर छहरा की धार सत सत फैनो स्वसित तरंगा गंगा। और जब बड़े पेग से छूटी तो तथे तिराग्या भीतम तथे ओम इति ओम कहा भगवान शंकर ने दधारा वही तो गंगा पाद पूत जलाम हरे। भगवान का वो पाद पूत जल चरणोदक भगवती गंगा को शंकर जी ने जटाओं में धारण कर लिया। बोलो गंगाधर भगवान की जय। सिर पर बैठ गई गंगा, पार्वती जी वहीं बैठी थी भगवान शंकर के बामांक में। पार्वती ने कहा ये कौन स्त्री हमारे पति के सिर पर बैठ गई, पास में बैठने तक मैं तो ईर्ष्या हो ये सर पर बैठ गई है। पार्वती जी ने कहा इतना क्यों पिया ये हलाहल पिया, इतना क्यों पिया ये हलाहल पिया, इतना क्यों पिया ये हलाहल पिया। व्यंजना शैली में बोली भगवती इतना क्यों पिया ये हलाहल पिया, इतना क्यों पिया जो सुधा कर शीश चढ़ाना पड़ा, जो सुधा कर शीश चढ़ाना पड़ा। इतना विष क्यों पी लिया कि इतनी गर्मी चढ़ गई कि चंद्रमा को भाल पर धारण करना पड़ा। नहीं शांत हुई तन व्याकुलता, नहीं शांत हुई तन व्याकुलता, तो सीधे हिमालय आना पड़ा, तो सीधे हिमालय आना पड़ा। नहीं शांत हुई तन की ऊष्मा, नहीं शांत हुई तो दिगंबर वेश बनाना पड़ा, तो दिगंबर अब आज जरूरत क्या है पड़ी प्रभु, अब आज जरूरत क्या है पड़ी प्रभु, जो गंगा का बोझा उठाना पड़ा, जो गंगा बोझा उठाना पड़ा। भगवान ये गंगा को क्यों आप धारण किए। पार्वती जी ने कहा ये इसको उतारो। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी को ईर्ष्या हो गई, तो कहा भगवान पार्वती जी से कुछ नहीं बोले। बोले गंगा एक बात बताओ तुम्हारी कौन हमारा तुम्हारा कौन नाता है। तो गंगा जी कहती हैं पाद पूत जलाम हरे, मैं भगवान का चरणोदक हूं। भगवान शंकर बोले पार्वती हमने गंगा को इसलिए नहीं धारण किया कि नारी है, हमने गंगा को धारण किया मेरे इष्ट देव का पादोदक चरणोदक है, इनके धारण करने से मैं भी पवित्र हो गया हूं। मंत्र पूत पाद पूत जलाम हरे। बोलो गंगा मैया की ऐसी धारा गंगा की, नीचे से देखो धरती के नीचे से कूरम पे कोल, सबसे नीचे कूरम भगवान है, फिर कोल है बारह, कूरम पे कोल कोलहू पे शेष कुंडली है, और शेष कुंडली पे फबी इस शेष कुंडली पे फबी फणन हजार की। नीचे से कूरम पे कोल कोलहू पे शेष कुंडली है, और शेष कुंडली पे फबी फणन हजार की, फलन हजार पे भंग सो फबी है धरा, और धरा पे फबी थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर
रजत पहाड़ सुमेरु, रजत पहाड़ पे शंभु गिरि नायक हैं और शंभु के शीश पे जटा है बहार की, और शंभु जटा जूट पे चंदा की छुटी है जटा। ये शंभु जटा जूट पे चंदा की छुटी है जटा, और चंदा की छटा पे छटा, चंदा की छटा पे छटा है गंगाधार की। ये चंदा की छटा पे छटा है गंगाधार की। बोलो गंगा मैया की। अब गंगा जी जब जटाओं में है तो भोलेनाथ को बड़ा आनंद है, समाधि में जाना चाहते हैं। बोले महाराज भगीरथ बोले बाबा हमारे पुरखे भस्म पड़े, आप कृपा करो छोड़ो तो निचोड़ दी धारा त्रिपथ का, आकाश गंगा पाताल गंगा और मृत्युलोक की सुरसरी। आगे आगे भगीरथ रथ चलाते जा रहे हैं शंकर ध्वनि करके, पीछे गंगा जी जा रही हैं। गंगा जी उतरी और गौमुख से गंगोत्री और गंगोत्री से आगे उत्तरकाशी आदि होते हुए महाराज ऋषिकेश हरिद्वार सप्त सरोवर आगे बढ़ी। जन्म ऋषि का आश्रम था, जन्म ऋषि बैठे साधना में तो गंगा जी ने चंचलता में इनका कमंडल अपनी धार में बहा लिया। जन्म ऋषि बोले अच्छा गंगा तुम हमारा कमंडल बाहर लिए जा रहे हो, ठहरो। ओम विष्णु 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 रत्नादेव प्राण पुष्पाय नमः। आचमन कर गए गंगा जी को, पेट में रख लिया। भगीरथ ने देखा गंगा जी नहीं आ रही, पलटे पीछे महात्मा जी से बोले महाराज आपने गंगा जी को देखा। बोले हाँ। बोले कहाँ। बोले हमारे पेट में है। बोले दया करो महाराज, बड़े परिश्रम में तपस्या कई पीढ़ी समाप्त हो गई तब आई है, छोड़िए। बोले हमारे कोई पुत्री नहीं, ने पुत्री बनाकर छोड़ेंगे। जन्हो जन्हो अजायत जाह्नवी कथ्यते। महात्मा जन्हु ने अपनी दाहिनी जांग से गंगा जी को प्रकट कर दिया, इसलिए उनका नाम हुआ जाह्नवी। बोलो जाह्नवी देवी की। अब जाह्नवी गंगा जा रही सुंदर सुंदर तीर्थों से होते हुए और जाकर के सागर के तट पर भस्मी भूतांग संगे नो स्वर्याता सगर आत्मजा। सगर के आत्म यत जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंडता सगर आत्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। केवल देह भस्म भस्म गंगा जी में स्पर्श हुई और सगर आत्मा मजा दिवम जगमु, देवता 60,000 देवता बन गए और देवलोक को प्राप्त हुए, मुक्त हो गए। गंगा जी प्रायः समस्त नदियां सागर में लीन होने के बाद अपना नाम और रूप खो देती हैं। गंगा जी ने सागर के वक्षस्थल पर भी अपना नाम लिख दिया, जहां सागर में लीन हुई इस तीर्थ का नाम हो गया गंगा सागर। बोलिए गंगा सागर धाम की। इस प्रकार भगवती गंगा धरा पर आई। महाराज भगीरथ के पुत्र श्रुत के सुतायु, सुतायु के रिपुंजय, रिपुंजय के रुद्रपर्ण, रुद्रपर्ण के सुदास, सुदास के सुदास उनके अश्मक मूलक एडमिट उनके दशरथ हुए। ये दूसरे दशरथ हैं। दशरथ के महाराज श्री विश्वशह, विश्वशह के खटवांग, ऐसे खटवांग के पुत्र भी दीर्घ बाबू दिलीप नंदिनी गाय की सेवा करके ऐसी सेवा की। स्थिता स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम निषेदुषी माशन बंद धीरा जलाभिलाषी जलमा ददानाम छाये वताम भूपति रन्व गच्छता। छाया की तरह जब गाय चले तो ये चले, गाय बैठे तो ये बैठे, गाय जलती है तो ये जलती, छाया की तरह सेवा की। माता नंदिनी की कृपा से इन्हें रघु नामक बालक प्राप्त हुआ, जिनसे सूर्यवंश रघुवंश हो गया। रघु जी के महाराज उत्पन्न हुए अज,
अजस्ततो महाराज तस्मात दशरथो भवत। उनके महाराज श्री दशरथ हुए। दशस दिक्षु अप्रतिहत वेगेन बहत यस्य रथा सा दशरथः। दशो दिशाओं में अबाध गति से जिनका रथ बहता है इसलिए उनका नाम दशरथ है। दशो इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है इसलिए उनका नाम दशरथ है। तो जो देह नगर है वहां का राजा दशानन है, अपने इंद्रियों के दशो मुख खोल करके स्वच्छंदता से विषयों का सेवन करता है, देह का पोषण करता है। कहीं महिष मानुष धेनु खर नर बहु निशाचर भक्षहीं का दृश्य है। और अयोध्या में देहाधिकार नगर है, यहाँ के राजा महाराज श्री दशरथ हैं। दशो इंद्रियों को दश शरीर रूपी रथ में दश इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियोजित करके नियंत्रित कर दिया है। ऐसे जितेंद्रिय हैं महाराज श्री दशरथ, धर्म धुरंधर हैं, कुननिधि हैं, धर्म धुरंधर गुणनिधि राव ऐसे महाराज। और मिथिला तो विदेह नगर है, वहां के राजा जनक को देह का भी ज्ञान नहीं, विगत शाश्व देहा विदेहा, साधना में देह का भी ज्ञान नहीं रहता ऐसे विदेह। लंका में गणना हुई कि देखो यहाँ साधु कितने हैं, तो लंका में केवल दो साधु मिले शाकाहारी लोग, एक पुरुष साधु विभीषण, दूसरी साध्वी नारी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका। अयोध्या में गणना हुई कि देखो यहाँ पर दुष्ट कितने हैं, तो अयोध्या में देखा सभी सज्जन हैं, केवल दो दुष्ट मिल गए वहां। एक वह दुष्ट कौन, धोबी, जिसने सीता मैया को लांछन लगाया था, अपनी पत्नी से बोला मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूं, जो रावण के घर में रहने वाली सीता को पत्नी बना लिया। ये लोकापवाद भगवान पर लगाया, सीता परित्याग का हेतु बना। और दूसरी वो है कुबड़ी, कुबड़ी कौन, मंथरा है, कुटिलता की साकार मूर्ति है, राम वनगमन में कारण बनी। इन मिथिला में कोई भी दुष्ट नहीं है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भक्तों श्रीमद् भागवत में राम कथा बड़े संक्षेप में है, मात्र दो अध्याय में भगवान वेद व्यास ने राम जी का वर्णन किया है। तो संक्षेप में दो अध्याय में व्यास भगवान ने लिखा है, राम कथा के दो अध्याय, कृष्ण कथा के 90 अध्याय। तो संक्षेप में वर्णन है, उसी अनुसार आप सुनेंगे। एक पूरी कथा को एक श्लोक में लिखा है। महाराज उस समय रावण के कुंभकर्ण के अत्याचार से धरती कांप उठी। रावण ने तपस्या की ब्रह्मा की, तो उस समय अब जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। रावण ने वरदान मांगा, महाराज बताइए मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु जो है वो दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा होगी। चले गए महाराज श्री ब्रह्मा जी। आनंद रामायण में वर्णन है, महाराज ब्रह्मा जी जो अंतर ध्यान हुए तो रावण ने फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। तो त्रिवाचा करके रावण ने मांगा कि दशरथ के रक्त से कोई संतान न हो, और इस कारण महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। 3 विवाह हुए कौशल्या के, गई सुमित्रा। वाल्मीकि जी तो 360 रानियां लिखते हैं, रामायण जी में 3 रानियों का प्रमुख वर्णन है। महाराज के पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। शांता नाम की कन्या इनके मित्र राजा रोमपाद की कन्या है, उसको इन्होंने पुत्री की भांति पाला है, जिनका विवाह विभांडक तनय श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ है। महाराज उस समय दशरथ जी गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव हमारा वंश नष्ट हुआ जा रहा है, रघुवंश का उत्तराधिकारी चाहिए। तो उस समय गुरुदेव वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा,
पुत्र कृपाल सुतो यज्ञ के पार्श्विक मुद्राओं से आपने पूजन किया है, आशीर्वाद है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित आहुति दीने, यज्ञ हो रहा है, आहुतियां पड़ रही हैं। उस समय देवताओं ने, धरती ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आज भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा हम रघुवंश में, सूर्य वंश में अंशों की समेत अवतार लेंगे। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान प्रकट हुए और कहा महाराज दशरथ, ये हव्य ये चरु आप अपनी तीनों रानियों में क्रमानुसार बांट दो। अब हव्य बांटा है, आधी खीर माता कौशल्या को दे दी और चौथाई खीर महारानी के गेही को, और चौथाई के दो भाग किए और दो भाग कौशल्या सुमित्रा के हाथ पर रखकर, वो कौशल्या के गेही के हाथ पर रखवाकर सुमित्रा को दिलाए। कौशल्या के हाथ के अभिषेक होंगे रामानुज और कैकेयी के हाथ के अभिषेक होंगे भरतानु। और अब सुखयुक्त समय व्यतीत होने लगा। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः, अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितं सुरैः। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म ही भगवान राम के रूप में अवतार लेने आ रहे हैं अंशों के सहित। यहाँ किसी को शंका करने का अवसर नहीं दिया कि मनुष्य हैं, राजकुमार हैं, महापुरुष हैं, साक्षात ब्रह्म ही अवतरित होने आ रहे हैं। और प्यारे भक्तों, बड़ा सुंदर समय। सुख जूते कछुक काले चली गए, सुख जूते कछुक काले चली गए, सुख जूते कछुक काले चली गए, जब प्रभु प्रकट सो अवसर भए, जब प्रभु प्रकट सो अवसर भए, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न पवन काल लोक विश्राम, पवन काल लोक विश्राम, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी मध्य दिवस अभिजित मुहूर्त और पुनर्वस नक्षत्र। आज माता कौशल्या अपने प्रकोष्ठ में बैठी हैं, कक्ष में, और करुण सूर्य की भांत प्रकाश उतर रहा है। तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशौभिकौस्तुभम,
पीताम्बरम सांग्रपयोदशौभगम। वर्षाकाल में मुझे से श्याम और सुंदर चार भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वनमाला से विभूषित परब्रह्म परमात्मा जगदाधार पूर्ण ब्रह्म भगवान राम का अवतार हुआ। गुलवानंद कंद प्रभु राम चंद्र भगवान की जय। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परीक्षित जी आप दोनों लोग पूजन करें सिंहासन में भगवान का। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। शित महतारी मुनि मन हारी मुनि मन हारी। अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा। निजयायुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला। भूषण बन माला नयन विशाला अशोभा सिंधु खरारी। शोभा सिंधु खरारी। माता ने स्तुति की। भगवान ने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। आप शत्रुपा जी थी, महाराज दशरथ मनु थे। आप दोनों ने कई हजार वर्ष तपस्या की और तब मैं प्रकट हुआ तो मुझसे मांगा चाहूं तुम्हें समान सुख। मैंने कहा था आप सरिस का खोजो जाई नृप तब तने हो मैं आई। मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। तो उस समय मैया बोली आप चार भुजा वाले बनकर आए हो। मानव का पुत्र चार भुजा वाला नहीं होता। भगवान दो भुजा वाले बनो दो भुजा वाले हो गए। बोले पुत्र इतना बड़ा नहीं होता छोटे हो। छोटे हुए बोले और छोटे हो बहुत छोटे। जब शिशु हो गए बोले अब रोइए। भगवान बोले आज तक रोने के लिए मुझसे किसी ने नहीं बोला। बोले नहीं रोगे नहीं तो अस्कुन है। बालक अगर जन्म लेते रोवे नहीं तो अस्कुन होता है। रोइए तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। बोल बाल भगवान की जय। थोड़ी देर बाद मैया कह गई के भैया भरतलाल और भी थोड़ी देर बाद मैया सुमित्रा के लखनलाल और शत्रुघ्न लाल का अवतार हुआ। और अभी सूचना महाराज दशरथ को मिली तो बड़ा आनंद हुआ।